खबर इस वक्त शामली से आ रही है, जहां पर तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के फार्म हाउस पर पुलिस की रेड हुई है। दिल्ली पुलिस मौलाना साद के फार्म हाउस पर इस वक्त पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस ने वहां पर पहुंच करके छापेमारी की है। सुरक्षा के लिए पीपीई किट के साथ में पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है। तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन पर तबलीगी जमात के मरकज यानी कि हेडक्वार्टर पर जिस वक्त ये सारी खबरें आई थी, और उसके बाद में मौलाना साद 28 तारीख से लगातार फरार चल रहा है। हमारे सहयोगी रवि जागलान इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रवि, पुलिस की रेड हो रही है वहां पर, कोई जानकारी आ सकी अब तक, क्या कुछ मिला? देखिए, आपको बता दूं कि जो तबलीगी जमात का मुखिया है मौलाना साद, उसकी लगातार पुलिस जो है तलाश कर रही है। कुछ दिन पहले भी पुलिस जो है कांगड़ा में आई थी, हालांकि फिलहाल भी करीब एक घंटा पहले दिल्ली की क्राइम ब्रांच पुलिस उसके घर पर पहुंची है, लेकिन मौलाना साद का फिलहाल कुछ पता नहीं लग पा रहा है। मौलाना साद दिल्ली हजरत निजामुद्दीन का मुखिया है और काफी लंबे समय से फरार चल रहा है। जी बिल्कुल, 28 तारीख से मौलाना साद फरार चल रहा है। हालांकि इस बीच में मौलाना साद के कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सामने आई हैं, मगर अब तक पुलिस मौलाना साद तक पहुंच क्यों नहीं सकी है? आखिर इतने दिनों से, 28 तारीख से लेकर के करीब करीब एक महीना होने को जा रहा है, एक महीना होने को पूरा होने जा रहा है, और ऐसे में अभी तक मौलाना साद फरार है, तो पुलिस की यह नाकामी है या फिर मौलाना साद को पुलिस पकड़ना ही नहीं चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं पुलिस लगातार मौलाना साहब को पकड़ने का प्रयास कर रही है। अभी कुछ दिन पहले मौलाना साहब की बेटी की शादी भी होनी थी, और लॉकडाउन के चलते उसकी शादी को भी जो है कैंसिल कर दिया। पुलिस को उम्मीद थी कि मौलाना साहब अपनी बेटी की शादी में जरूर अपने घर पर आएगा, इसीलिए दिल्ली की क्राइम ब्रांच उत्तर प्रदेश पुलिस उसके घर पर कुछ दिन पहले पहुंची थी। हालांकि मौलाना साहब का फिलहाल कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली की क्राइम ब्रांच, दिल्ली एसटीएफ, समस्त टीम, पुलिस टीम जो है मौलाना साहब को गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, और मौलाना साहब पुलिस शुक्रिया रवि जागलान इन तमाम जानकारी के लिए।